नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 20। देखिए, अभी हमारे साथ नागमणि जी हैं। एक पार्टी है जिसका कि इन्होंने उद्घाटन किया है, शुरुआत की है। पार्टी का उद्देश्य क्या होगा और पार्टी की जरूरत क्या है, क्यों? देखिए, देश में और बिहार में जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। डेमोक्रेसी से कोई इन लोगों को लेना देना नहीं है। मैं सभी पार्टियों में गया, लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि नागमणि पार्टी बदलते रहते हैं। मैं इसीलिए सभी पार्टियों में गया और सभी पार्टियों में मैंने देखा इसी बात का कि ये तानाशाही तरीके से काम करते हैं। एक चेयरमैन है और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अलावा पार्टी में किसी का वैल्यू नहीं है। कांग्रेस के बात लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा है राहुल गांधी। बीजेपी में प्रधानमंत्री चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर है। बिहार में राजद में चेयरमैन लालू यादव है, मैनेजिंग उनका बेटा तेजस्वी है। जेडीयू में चेयरमैन है नीतीश कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह है। उसके अलावा किसी का वैल्यू पार्टी में है क्या? लेकिन हमारी पार्टी बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में काम करेगी, ये मेरा गारंटी के साथ। अच्छा, काम करने की जब बात आती है तो किस तरह से काम करेगी? क्योंकि आपको लगभग बिहार की जो भी पार्टियां हैं अनुभव प्राप्त है आपको, तो आपकी पार्टी ऐसा कौन सा मुद्दा रखेगी समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, आपसे लोग जुड़ें? देखिए, आज ही हमने 3 मुद्दे पर पूरे बिहार के पैमाने पर हजारों लोग आज धरना पर आए थे। उसमें 27% से 52% पिछड़े वर्ग को आरक्षण को बढ़ाने के लिए धरना दिया है। ये लालू नीतीश जी बोलते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। भैया, जातीय जनगणना के पहले 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने की ज़रूरत है? अगर मान ली कि जातीय जनगणना में 52% के जगह पर 65% हो जाता है और अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो पिछड़ी जात मास जनता को क्या मिलेगा? लालू नीतीश तो थपड़ी बजाएंगे, फिर बैकवर्ड क्लास में बोलेंगे कि हमने तो जातीय जनगणना करा दिया। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा है? लालू नीतीश हमको बतावे जातीय जनगणना का विरोध क्यों? विरोध नहीं है, मेरा कहना है कि अगर 65% पॉपुलेशन बढ़ जाए और आरक्षण नहीं मिलेगा तो पिछड़े जाति को मास जनता को क्या मिलेगा? इसलिए 27% से 52% आरक्षण की लड़ाई पहले हम पूरा करेंगे। जब 52% आरक्षण मिल जाएगा तब हम जातीय गणना की बात करेंगे। क्या अभी एक ये सवाल है कि पार्टी तो बन गई है, क्या पार्टी के अंदर जो भी उसकी कमेटी है क्या ये बनी है अभी? नहीं, अभी तो आज लॉन्चिंग है, सभी लोग से राय मस्विदा करके पार्टी का पूरा संगठन हम लोग बना देंगे। और संगठन में मेरा खास ये खासियत हो रहा है कि जैसे वेस्ट बंगाल में कैडर बेस पार्टी है CPM और मायावती ये ममता बनर्जी का, और वहाँ जो सरकार होती है संगठन के निर्णय के आधार पर पदाधिकारी को काम करना पड़ता है। तो मैं शोषित इनकलाब पार्टी को उसी पैटर्न पे कमिटी बनाऊंगा। अगर प्रखंड है, प्रखंड में थाना प्रभारी BDO CO होते हैं, जो हमारे पार्टी का निर्णय होगा वही BDO CO को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिला में SP और DM होते हैं, जो पार्टी का संगठन का जो निर्णय होगा वही DM SP को करना पड़ेगा। अभी वेस्ट बंगाल में वही सिस्टम पर चल रहा है, हम उसी सिस्टम पर पार्टी को पूरे देश के पैमाने पर बनाएं। अभी की जो बंधुआ मजदूर टाइप का हर पार्टी का जो कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर है, हमारे पार्टी में डेमोक्रेटिक वे में काम हो। क्या ये बिहार से उठ करके पूरे देश में इसकी कमेटी गठित की जाएगी? उम्मीद है आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के भी चुनाव है। फर्स्ट फेज में हम बिहार, झारखंड और दिल्ली में अपना संगठन बनाएंगे, उसके बाद जैसा होगा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 3 राज्यों में मेरा संगठन होगा और बिहार में तो टारगेट है 2025 में
शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार बनाना। तो आप नागमणि जी को सुन रहे थे, शोषित इनकलाब पार्टी का इन्होंने आज उद्घाटन कर दिया है और 2025 में पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और पार्टी को मजबूती के साथ जो राज्य में जो वोट है उसको लेने का काम करेंगे और सीट जीतने का काम करेंगे। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।